पे तमाम हम मातमदार और आजादार और अंजुमनों ने यहाँ पर मिलकर और उलमा ज़ाकिरीन ने हैदराबाद के जज्बे ईमानी के साथ हम यहाँ पर पहुँचे। अल्लाह इन सब को आबाद और शाद रखे। रसूल अल्लाह की शान में जिस वसीम मलून ने गुस्ताखी की है उस पर भी लानत हो, और रसूल अल्लाह के फर्जंद इमाम ज़माना की शान में जिसने गुस्ताखी की उस पर भी लानत। हमको हमारे मुल्क हिंदुस्तान पे नाज है, ये हमारा ऐसा सेकुलर मुल्क है, दुनिया में कहीं पे भी ऐसी आज़ादारी नहीं होती जहाँ पर जैसा हो रही है। हमको भरोसा दिलाया गया, आनंद सर ने हमें भरोसा दिलाया। इंशाअल्लाह ताला यकीनन तमाम जज्बा ईमानी रखने वालों की कोशिशों को अल्लाह कामयाबी दिलाएगा। यकीनन इस पर अल्लाह का शदीद अजाब नाजिल होगा। हम शिया सुन्नी भाई भाई सब इत्तेहाद। जैसे कि आप बेहतर जानते हैं कि उलमा और ज़ाकिरीन ने अपने बयान दिए हैं, सब बातें आप तक पहुँच चुकी है। सिर्फ मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि वसीम रुशदी मलून लानतुल्लाह अलैह, और ये जो मलून ने हरकत की है जिसका नाम लेना भी मैं जो है गवारा नहीं करता, ये इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे वसीम लानती है वैसे ये मलून भी लानती है, क्योंकि वसीम ने सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी की है और इस मलून ने सरकार की आल की शान में गुस्ताखी की है, जो इस वक्त हाजिर और नाजिर मौला इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजक है। हमें सब बर्दाश्त है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के ख़िलाफ़ कह दे हमें बर्दाश्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। इसीलिए हम लोग हमेशा आपके पास आते थे कि सर ये बहुत बड़ी बात कर दिया, उन्हें बहुत बड़ी बात कर दिया सर, ये बर्दाश्त के बाहर है। ये ऐसे ही लोग जो है ना आपको डिवाइड कर रहे हैं, हमारी कंट्री में हमको डिवाइड कर रहे हैं लोग। हालांकि सुन्नत जमात के लोग हमारे भाई हैं, वो लोग खुद इसके खिलाफ है। साहब ये दरगाहों के बारे में भी बोलता है, ये मशाइखों के बारे में बोलता है। साहब उसको अरेस्ट करो ना साहब, इनके पैगाम से ये दिखता है कि आप की मिसाल को खराब करना डिवाइड एंड रूल। जी साहब आप लोगों मेरे को दे दिए। जी साहब कंप्लेंट दे दिए। जी साहब ओके, ऑलरेडी बोल दिया मैंने।
आप वो 100 जने है साहब, इसका वीडियो ना साहब, ये तो वीडियो ना भाऊ जी, देखा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए आपके लिए आया। मैं कितना टाइम लगता है बोले तो दोबारा नहीं आते लोग, बोल तो मैं आपको बोलता हूँ, बड़े लोग है ना जी, कुछ भी करिए आप, एफआईआर तो भी बनाइए, अभी है साहब, करिए आप कर सकते हैं, आपसे उम्मीद है, उम्मीद है साहब, आपसे आप करिए साहब, जिला आप एफ आई आर करते हो, बड़े बड़े जुलूसों में आप कॉपरेट करें साहब, बस वो होप रहने दो, हम भी हमारा होप को खराब नहीं करते, ठीक है ना। थैंक यू सर, हम आपसे आपको खुद मौला हुसैन मौला अली मदद करेंगे साहब, बेशक बेशक, चलिए ठीक है, नहीं तकलीफ भरोसा है, नहीं तकलीफ है साहब, नहीं भरोसा है साहब, आप बोल रहे हैं आपका वेट कर रहे हैं, कोई भी जो होता है उस पर एक्शन लीजिए इमीडिएटली प्लीज, बहुत तकलीफ में साहब, अभी नहीं बोला, नहीं 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 साहब, आप बोले नहीं, आपके मुंह से बोलिए, मैं अरेस्ट करता हूँ उसको, बोलिए आप, समझ में नहीं आ रहे, नहीं साहब ने बोला, वही समझ में नहीं आ रहे, नहीं आ रहे साहब, मैं इसलिए क्या बोला अभी, बोले साहब आप नहीं साहब, करने दो हैदराबाद का बोलना है कि आप एक टाइम बुक किए तो हम लोग जाना, नहीं साहब, हैदर भाई थोड़ा साहब, नहीं साहब ऐसा नहीं साहब, आप तो आप जैसा वीडियो में बोलते ना था, मैं जिम्मेदार हूँ, एफ आई आर होना, उसको अरेस्ट करना साहब, ये रिक्वेस्ट है हमारी, और वो जो चैनल चला रहा ना, उन्हें क्या बोल रहा मालूम, आनंद सर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक्शन प्लीज, कंटिन्यू हो रहा सर, इससे पहले भी बार-बार हो रहा, हर कुछ बस के बाद देना कितना रिलीज जारी वहाँ से, उससे शहर की फिजा भी खराब हो रही है, मैं अपने बयान में भी कहा कि हम आप इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों मेरा ऑफिस को आके दे दिए, और जी शबीर हुसैन भी, शबीर हुसैन, शबीर हुसैन भी दे दिए मेरा को सर, हम लोग एक मिनट है सर, अपन ने रेंडमेजा लिमिट में जो अंजुमन आते हैं वो लोग यहाँ पर आए थे, रेंडमेजा लिमिट में जो अंजुमन आते वगैरह, जैसा कि हमारे सका अरम है साहब, मैं हूँ सर, मातम दरा ने रहे कांदीमन कारवाने था, पूरे आपने आपके वेट कर रहे थे, ये रेन बाजार के लिमिट में आते सब, आपका इंतजार कर रहे थे, रेन बाजार को आने दो, अपनी कंप्लेन होना है, मीर चौक का आने दो, डबलपुरा को आने दो, सही है, ओके, मीर चौक एसीपी डिजिग्नेशन ना मैं ले लूं, डीएसओ कंप्लेंट ऑलरेडी, मैं ये मौलाना अस्करी साहब, मौलाना अस्करी साहब डीएसओ ऑलरेडी मैं लिया, मीडिया भी एविडेंस है, और शबीर हुसैन भी दे दिए मेरे को, सरवर सिप्तन हुसैन इसका भी है, हां आपके आपके खास फ्रेंड्स उन्हें भी दिए, उधर दे देना मेरे पास, ज्यादा रिस्क में अंदर जाता हूं, आप लोग इधर देखो, अगर यहां पे गैदरिंग है उसको आके जो है उधर देना मेरे पास, ये जवान है पूरा 52 है, 52 आपको हर चीज की नॉलेज है, फिर ये तो एक बच्चे ने कुछ गलत कहा, ओनली कमेंट्स कमेंट्स मारने के ऊपर उसको अरेस्ट किया गया, और यहाँ पर ये खुद वीडियो बना के इतनी बड़ी बात बोलने के बाद अब तक उस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप उसको अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, रिमाइंड करो, कोर्ट को भेजो उसको, भी सेक्शंस लगते हैं लगाओ,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا علی مدد۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈبل پرا پی ایس میں کمپلینٹ دی ہے شکیل احمد کے نام سے، جو ہمارے شیعہ مذہب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وسیم رضوی کے جو ہے سو کھاندے پہ بندوق رکھ کے۔ انہوں یہ بھول گئے کہ وسیم رضوی خود اپنا بائیکاٹ کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں اس کے کھندے پہ رکھ کے ہمارے شیعہ قوم کے اوپر جو بندوق چلائے ہیں ہمارے امام زمانہ کے نام کو لے کر، تو ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا پڑے گا۔ ان کا جو ہے سو قومی جو ہے سو بائیکاٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وسیم رضوی بھی وہی حرکت کر رہا ہے اور یہ بھی وہی حرکت کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم ان کو سماج سے ان کا بائیکاٹ کریں، اور ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں یا جو بھی ان کے جو شیئرنگ جو نیوز چینلز ہیں ان لوگوں کا بھی بائیکاٹ کریں، تاکہ ان کو منہ توڑ جواب دیں اور ہم یہ نکل کے بتا دیں، یہ احتجاج کر کے بتا دیں کہ ہم جتنے بھی شیعہ ہیں یا جتنے بھی مسلمان برادری ہے ہم سب میں ایک اتحاد رہے، اور ایسے لوگ جو شیطانی جو بینچ کا کام کر رہے ہیں ان کا خاتمہ کریں۔ شکریہ، خدا حافظ، یا علی مدد۔